अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 7 बजे हुए हैं और इस वक्त मैं आपको लेके आया हूँ डब्बा वाला रेलवे स्टेशन, जो कि 84 किलोमीटर दूर है खानेवाल जंक्शन से। और रेलवे लाइन है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। अगर आप अप साइड पर जाएँ तो टोबा टेक सिंह, और अगर आप डाउन साइड पर जाएँ तो चटियाना रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एक स्पीड वीक। 4 ट्रेन्स हैं हमारा टारगेट, जिसमें 45 अप, पाकिस्तान एक्सप्रेस 41 अप, कराकरम एक्सप्रेस 17 अप, मिलत एक्सप्रेस और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। तो सबसे पहली ट्रेन आप यहाँ पे देखेंगे 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस, शोरकोट से निकल चुकी है, सिग्नल बना दिए गए हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद फिर हम अपना स्पीड वीक करने लगे हैं, तो होपफुली आज का जो स्पीड वीक है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। स्टेशन भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ग्रीन रेलवे स्टेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ले जी, आ गई पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अप। सुबह के 7:05 हुए हुए हैं और तकरीबन 20 मिनट ये डिले से चल रही है। पीछे पीछे इसके लगी हुई है कराकरम एक्सप्रेस। तो देखते हैं कि आज पाकिस्तान एक्सप्रेस डब्बा वाला रेलवे स्टेशन से कितनी स्पीड में पास होती है। GV40 9027 लीड कर रहा है। एक 108 की स्पीड है जी। साबिर साहब बड़ी ज़बरदस्त स्पीड में ले गए पाकिस्तान एक्सप्रेस को। बहुत ही सीजन ड्राइवर फैसलाबाद शेड के, और 109 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से डब्बा वाला रेलवे स्टेशन के यार्ड में से गुजर गई पाकिस्तान एक्सप्रेस। कराची से निकली और रावलपिंडी इसकी मंजिल, टोबा टेक सिंह जाके ये स्टॉप करेगी। शोरकोट से रवाना हुई अभी। बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा रेलवे स्टेशन, सामने आप मेन इमारत देख रहे हैं डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की, जो कि 83.90 किलोमीटर दूर खानेवाल जंक्शन से, लाहौर डिवीज़न का रेलवे स्टेशन। और ये साइड जो है ये सामने अप साइड है, इधर पहला स्टेशन चटियाना और उससे आगे शोरकोट कैंट, और फिर आगे इस तरह खानेवाल जंक्शन और आगे मुल्तान और कराची। जबकि ये वाली साइड जो है वो लीड कर रही है फैसलाबाद की तरफ, और इस साइड पे अगर आप जाएं तो पहला स्टेशन जो है वो टोबा टेक सिंह। तो ग्रीनरी देखें माशाल्लाह रेलवे स्टेशन पे, फूल देखें कैसे ज़बरदस्त यहाँ पे लगे हुए हैं। आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और बादल आप देखें आसमान पे आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। आपको अनार का
जो है वो पौधा भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा आगे भी गार्डनिंग हुई हुई है। बाकी रेलवे स्टेशन आपको कराकरम एक्सप्रेस के बाद जो है वो दिखाएंगे। तो कराकरम एक्सप्रेस इस वक्त पास हो रही है शोरकोट कैंट से और कुछ ही देर में गुजरेगी, तो नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे इंशाल्लाह 41 अप कराकरम एक्सप्रेस का। लें जी दोस्तों, कराकरम एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है सुबह के 7:20 और सामने आप मेन इमारत देख रहे हैं डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की। एसएम साहब भी आ गए, दोनों फ्लैग्स ले गए। सो 104 की स्पीड आ रही है जी। स्लो है। कराकरम एक्सप्रेस जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजर गई डब्बा वाला रेलवे स्टेशन के यार्ड से। तो अभी तक की जो विनर ट्रेन है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अप, जिसको लीड कर रहे थे फैसलाबाद के ड्राइवर साबिर साहब, जबकि जो खानेवाल का क्रू है वो लीड कर रहा है 41 अप कराकरम एक्सप्रेस को। तो अभी थोड़ी सी लोकेलिटी आपको बता देते हैं। सामने जो आपको एक रोड नज़र आ रहा है ये टोबा टेक सिंह शोरकोट कैंट रोड है और ये सामने है मेन इमारत डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की। छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है, रिमोट एरिया तो नहीं कहूँगा, काफ़ी आबाद है, छोटे छोटे गांव हैं इसके इर्द गिर्द और सबसे मशहूर यहाँ का जो गांव है वो चक 302, इसी वजह से ये रेलवे स्टेशन भी मशहूर है। बेंचेस मौजूद हैं यहाँ पे, वेटिंग एरिया है, सामने टिकट काउंटर भी बना हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ से टिकट भी लोग ख़रीदते होंगे, आजकल जो है वो यहाँ पे किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। तो आप छत देखें, अभी चलते हैं अंदर। ये सामने स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है, उसके बाद ये लोहे के बने हुए जो हैं बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के दरवाज़े दो बने हुए हैं जो कि मेन एंट्रेंस है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। फूलों की क्यारियाँ आपको नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा इस स्टेशन के ऊपर, गार्डनिंग हुई भी है बहुत ज़बरदस्त। और ये तमाम गार्डनिंग जो है वो अपनी मदद आपके तहत की गई है। यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं वासिल साहब, वो शौक रखते हैं, आज मौजूद नहीं है, नहीं तो उनसे हम बात भी करते। इसके बाद ये देखें आप गुलाब के फूल, अभी चलते हैं हम दूसरी साइड पे। इस साइड से भी आप मेन इमारत देख लें डब्बा वाला रेलवे स्टेशन। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे फूल और पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं, इसमें फलदार पौधे भी हैं, जैसे कि ये जो है वो माल्टे का जो है वो लगा हुआ है पौधा।
और इस वाले पेड़ के ऊपर एक आपको माल्टा लगा हुआ नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा ये अमरूद के कुछ यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। अनार का जो पौधा है वो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें जी, ये भी अमरूद का पेड़, इसके ऊपर ये फूल आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये तमाम गार्डनिंग जो है वो यहाँ के जो स्टेशन मास्टर साहब हैं उनके शौक और हिम्मत की वजह से कायम है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो एरिया है ख़ास तौर पे यहाँ का जो पानी है ज़ेर ज़मीन वो मीठा नहीं है, इतना खारा पानी होता है मोस्टली यहाँ पे, और इस एरिया का जो पानी है वो भी खारा है। तो स्पेशली इस गार्डनिंग के लिए एक नहर से इन लोगों ने जो है ज़ेर ज़मीन एक पाइप बिछा के छोटा, तो उससे पानी ये लोग लेके आए हैं स्टेशन पे और फिर ये गार्डनिंग जो है वो हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त जी, दाद देनी पड़ेगी इनके हिम्मत हौसले और मोहब्बत की। ले जी दोस्तों, दो ट्रेन्स आपने देख ली और दो ट्रेन्स आपको मज़ीद इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो स्टेशन पे मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ दो हारिस आए हुए जो कि टोबा टेक सिंह के बहुत ही मशहूर व मरूफ रेल फैंस हैं और बहुत एक्टिव हैं ये लोग। तो हारिस नंबर वन इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े हैं उम्र में, और हारिस नंबर टू। तो आप दोनों से एक सवाल है कि कराग्राम तो आपने देख ली, 100 किलोमीटर पे गई है, 109 पे गुजरी है पाकिस्तान एक्सप्रेस, तो आपके ख्याल में अब विनर कौन सी ट्रेन होगी इस रेलवे स्टेशन की, और जो 17 अप है और 28 डाउन, इन दोनों में से कौन सी स्पीड में जाएगी? जो मेरे हिसाब से जो 45 अप अभी गई है 109 पे, आई थिंक इसको बीट करना मुश्किल है, क्योंकि जो 17 अप पे ड्राइवर साहब हैं वो थोड़ा कम स्पीड में ही चलते हैं, मैं उनको मुझे उनका पता है। अच्छा। और 28 डाउन के जो ड्राइवर साहब हैं वो लाहौर के होते हैं, तो मोस्टली 105 100 के बीच में, मकसद वो रूल एंड रेगुलेशन के फॉलो करते हैं वो लोग। जो फैसलाबाद के हमारे ड्राइवर्स हैं वो उनका डेली का आना जाना होता है, तो उनको जो है ना पूरे रूट का अच्छे से इल्म है, तो वो थोड़ी सी गाड़ी जो है पिक ले लेते हैं, यानी कि जीदारी से चलते हैं वो, है थोड़ा बहुत रूल ऊपर नीचे भी कर देते हैं लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो लाहौर के खाने वाले मुल्तान के ड्राइवर्स हैं वो लिमिट में चलते हैं। सही है। जो फैसलाबाद के ड्राइवर्स हैं वो तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस ही विनर रहेगी 45 के ऊपर, आई थिंक मुश्किल है जाना। हाँ जी। दोस्तों, सुबह के 9:05 हुए हैं, मौसम देखें क्या सुहाना, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है आज डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पे। अभी नेक्स्ट ट्रेन जो है वो आप देखेंगे MC12 जो कि ऑयल ट्रेन है, महमूद कोट चक पिराना, और इसको लीड कर रहा है HBU20 8056। महमूद कोट से ऑयल लेके निकली है, चक पिराना जाएगी, स्पेशल ऑयल ट्रेन, और आउटर पे स्लो होने के बाद निकली है दोबारा, नॉच अप किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन मिला ऑयल ट्रेन का, और जल्दी जल्दी इसको निकाला है। पहले डिसीजन था कि इसको लूप लाइन पे ले गए डब्बा वाला, क्योंकि 28 डाउन का टाइम भी हो गया है, जो कि कुछ ही देर में
पहुंच जाएगी टोबा टेक सिंह, पर बाद में डिसीजन चेंज किया और इसको यहाँ से थ्रू किया है। अब ये जाके खड़ी होगी टोबा टेक सिंह मेन लाइन पे, और तब तक 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस से लूप लाइन पे आ चुकी होगी। दोस्तों अभी नेक्स्ट ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस GU49009 लीड कर रहा है। 9:40 हुए हैं। और देखते हैं कि स्पीड कितनी पकड़ी है इसने। 105, 108। बात है जी शालीमार की, जबरदस्त 108 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पास हो गई डब्बा वाला रेलवे स्टेशन से। और ड्राइवर साहब भी बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोबा टेक सिंह से डब्बा वाला, और ट्रेन अपनी जो बुक स्पीड है वो बना चुकी थी। तो अभी ये जाके रुकेगी खानेवाल जंक्शन पे। दोस्तों एक और ट्रेन 501 स्पेशल कार्गो ट्रेन कराची से निकली है लाहौर के लिए, और इसको GU40 लीड कर रहा दोस्तों लूप लाइन पे मौजूद है 502 डाउन सुपर पार्सल कार्गो ट्रेन, दोपहर के 11:45, और ये ट्रेन यहाँ पे इसलिए रुकी हुई है कि ये रास्ता दे रही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस को, जो कि अभी शोरकोट कैंट से निकली है। तो देखते हैं कि आज की विनर ट्रेन कौन सी होती है डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पे। फिल वक्त 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस 109 की स्पीड पे टॉप पोजिशन पर मौजूद, पर अभी आने वाली ट्रेन आखिरी ट्रेन देखते हैं कि ये किस स्पीड से यहाँ से पास होती है। जी दोस्तों 11:55 और आज की आखिरी ट्रेन 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस कराची से निकली हुई है, और इसकी मंजिल है लाला मूसा। ZCU30 इसको लीड कर रहा है, होपफुली आज ये रिकॉर्ड तोड़ेगी। 113 बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड से गुजर गई 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस और डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की विनर ट्रेन, जो कि 113 किलोमीटर फी घंटा से पास थ्रू हो गई यार्ड में से। तो दोस्तों आपने देख लिया स्पीड वीक डब्बा वाला का, और
मुझे उम्मीद थी कि ZCU-30 के साथ जो ट्रेन आएगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ZCU-30 है वो स्पेशली डिज़ाइंड है एक्सप्रेस ट्रेन को हॉल करने के लिए, जबकि GU-40 जो हैं वो बने हुए हैं फ्रेट ट्रेन के लिए और रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो अभी पूछते हैं हम हारिस से कि उनकी जो उम्मीदें थी और एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी रॉन्ग साबित हुई, क्या कह रहे हो आप इसके ऊपर? जी जितने भी नाजरीन हैं, मैंने कहा था कि 45 अब जो है 109 की स्पीड पे गई है उसको बीट करना मुश्किल है, और उसके ड्राइवर थे गुलाम साबिर साहब, बड़ी उड़ाती हुई लेके गए हैं ट्रेन। लेकिन 70 ना मिलत एक्सप्रेस ZCU-30-319 के साथ उड़ती हुई जो है वो यहाँ से गई है 113 की स्पीड पर, और खालिद इकबाल साहब उसको लीड कर रहे थे, तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन 17 अब विन द रेस ऑफ एट डब्बावाला रेलवे स्टेशन टुडे। बहुत शुक्रिया हरीश, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इसके साथ ही हम करेंगे अपनी वीडियो ख़त्म, और साथ साथ 502 जो है वो भी डिपार्ट कर रही है डब्बावाला से। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।